वेलकम इन द वीडियो ऑफ वेल्थ क्रिएशन पार्ट 3, जिसमें मैं आप आज इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरह से आपके गोल के अकॉर्डिंग आप फाइनेंशियल एसेट मैनेज कर सकते हैं। मैं यह बहुत अच्छा एग्जांपल देने वाला हूँ। मिनिमम ध्यान रखिए, आपके पास हो सकता है किसी के पास पैसा बहुत कम है, किसी के पास मीडियम है, किसी के पास ज़्यादा है सेव करने के लिए। तो मैं यहाँ मिनिमम लेके चलूँगा और उसमें जब आप मिनिमम 500, 1000, 2000 जितने भी आप मिनिमम 500 तो बचा ही सकते हैं, उसमें आप कितने बचाते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं एक एग्जांपल बनाए हैं और इस हिसाब से चलेंगे तो आपकी फाइनेंशियल आगे जो प्रॉब्लम आएगी, बड़े बड़े फाइनेंशियल गोल आएंगे जो आपको बड़े बड़े अमाउंट की ज़रूरत है, वो आसानी से आप क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज़ इस एग्जाम्पल को ज़रूर देखें। दिस इज़ अभिषेक चौहान एंड वेलकम टू केयर फॉर ऑल हेल्थ एंड फिटनेस वेल्थ क्रिएशन पार्ट 3। और मैं जानता हूँ इस एग्जांपल के देखने के बाद आपको शायद क्वेश्चन आ सकते हैं आपके गोल के अकॉर्डिंग, क्योंकि सबके गोल अलग होते हैं, तो उसका भी मैं आंसर बहुत इजी तरीके से बताऊंगा इस एग्जांपल के बाद। तो चलिए हम देखते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका ये गोल नहीं है, आपका गोल अलग है, जाहिर सी बात है सबका गोल अलग होता है, एज अलग होती है, पैसे बचाने की कैपेबिलिटी सबकी अलग है, तो आपके गोल कहाँ इन्वेस्ट करना है वो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आने वाले इस वीडियोज में उस एग्जाम्पल को लेते लेते और वीडियोस बनाऊंगा। एक मेल फीमेल, यहाँ रमेश है या रानी है, जिसकी उम्र 24 साल है, ठीक है, लड़का हो सकता है, लड़का मेल फीमेल शादी है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसकी इनकम फिक्स नहीं है, वो किसी महीने 5000 कमाता है, किसी महीने 10000, 15000, 20000 है, किसी महीने कुछ नहीं कमाता, या फिर उसकी ऐसी सैलरी जिसमें 8 से 10 हज़ार पर मंथ मिलते हैं गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसकी सैलरी फिक्स नहीं है, मिनिमम 5000 से लेकर 20000 तक कमा सकता है, कुछ कह नहीं सकता, या किसी महीने वो कमाए भी नहीं, ठीक है। और हाँ, पर इतना ज़रूर है कि वो सेव कर सकता है इन्वेस्ट कर लेके मिनिमम 500 रुपये से 3000, ठीक है, किसी महीने 500 करे, किसी महीने 1000 करे, किसी महीने 2000 करे, किसी महीने नहीं करे, किसी महीने 500 करे, तो ऐसा ऐसा हो सकता है, पर हाँ मिनिमम 500 रुपये तो बचा ही सकता, क्योंकि वो उस सारी वीडियो को देख चुका है जो मैंने बताई थी, और उसने खर्चे बचा के जब कमा रहा है और खर्चे बचा के वो मिनिमम 500 तो बचा ही रहा है, ठीक है। अब उसका मेन फाइनेंशियल गोल क्या है? सबसे पहले रिटायरमेंट अमाउंट, ठीक है, वो चाहता है कि उसकी कोई फिक्स्ड या उसकी कोई सेटल्ड जॉब नहीं है, सैलरी नहीं है, वो बिजनेसमैन है, कुछ भी है, तो आगे जाके जब तक उसके हाथ पैर चल रहे, जब तक ही कमा रहा, जब वो रिटायर हो जाएगा, सरकार के नियम के अकॉर्डिंग 60 साल में इंसान रिटायर हो जाता है कि उस 60 साल बाद उसकी जो बॉडी है वो वर्क काम करना कम कर देती है, इसलिए रिटायरमेंट के लिए 60 साल मानते हैं, तो रिटायरमेंट अमाउंट गोल है। दूसरा, अगर वो शादी करेगा या शादी हो चुकी है तो दो बच्चों का एजुकेशन, हायर एजुकेशन, ठीक है, हायर एजुकेशन मतलब वो जब कॉलेज में कॉलेज जाएंगे तो उसके लिए अमाउंट। तीसरा उसका मेन गोल है दो बच्चों की शादी, ठीक है, अब वो एक बच्चे करें दो बच्चे करें वो आपका फाइनेंशियल फैमिली प्लानिंग वो आपकी है, वो आपके हिसाब से देख लेना। बस मैं एक ही बात बोलूँगा आपको कि हमारा जितना बड़ा चद्दर होना चाहिए उतने ही पैर फैलाने चाहिए, ज़्यादा पैर फैला दिए तो आगे दिक्कत हो सकती है। मतलब वो आपकी कंडीशन के हिसाब से आप देखें, फाइनेंशियल प्लानिंग फैमिली प्लानिंग वो आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ उसका ठीक है कि वो दो बच्चों का एजुकेशन करेगा और साथ में दो बच्चों की शादी भी करेगा, जाहिर सी बात है, और उसका ये मानना है कि सब निपटवाने के बाद मुझे एक फॉरेन टूर भी चाहिए, एक जीवन मिला है तो वो चाहता है कि एक अच्छा विदेश घूम के आए, तो ये उसके चार मेन है, ठीक है। तो आपके ख्याल में ये ज़रूर आ रहा होगा, यार मेरी अभी शादी नहीं हुई है, मैं ये प्लानिंग करके करूँ क्या, किसने देखा मैं 10 साल जीऊँ 20 साल जीऊँ, तो देखिए आपके लिए ये जीवन है ही नहीं फिर, ठीक है। एसेट मैनेजमेंट तभी बनता है, यही होता है कि हम उसकी प्लानिंग करके। और दूसरी बात बता दूँ कि ये चार गोल बताए मैंने, ये उसने अपने दिमाग में बनाए हैं, माने हैं। आप इस चार गोल के लिए आज पैसा लगाते तो आप 4 दिन बाद निकाल लो, 4 महीने बाद या 4 साल बाद जब ज़रूरत पड़े तब निकाल लो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर, ऐसा नहीं है कि ये मैं शादी के लिए कर रहा हूँ और शादी हो गई या नहीं हुई, शादी नहीं हुई तो इस पैसे का क्या करूँ, पैसा है हमेशा काम आएगा, ज़रूरी नहीं इस चार गोल के लिए काम आए, दूसरे गोल के लिए भी काम आ सकता है, बट आपने जीवन लिया है, शादी ज़रूर होगी, आपके बच्चे ज़रूर होंगे, आप बूढ़े ज़रूर होंगे, आप ऊपर जाएंगे और आपको भी उनकी शादी करनी पड़ेगी, आपको रिटायरमेंट भी करना है, तो ये तो होना ही है, ठीक है। ये कोई बात नहीं है कि मैं जीवन का कोई भरोसा नहीं है, तो आपके लिए जीवन नहीं है,
आप जिए ही मत, ठीक है। सॉरी, मतलब ये सब एसेट मैनेजमेंट आपको करना पड़ता है, तो ये उसका प्लान। उस हिसाब से चलिए हम देखते हैं गोल नंबर वन। सबसे पहले उसका है रिटायरमेंट अमाउंट, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या कर रहा है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसको कहते हैं SIP, ठीक है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है, जिस तरह से बैंक में रिकरिंग अकाउंट होता है कि हर महीने 100 रुपये 200 रुपये की RD रिकरिंग अकाउंट करते हैं, तो 100 महीने कटते हैं, हर महीने डालने पड़ते हैं और उसके बाद जो भी परसेंट के हिसाब से मिलता है, उसी तरह वो एक फ़ंड लेता है, अच्छा फंड लेता है, जिसमें 500 रुपये पर मंथ की SIP करता है। SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, किसी भी महीने की एक तारीख ले लेता है, 5, 10, 15, 20 जो भी फंड की डेट रहती है महीने की, वो फंड लेता है और उस एक तारीख को 500 रुपये के एक अच्छा फंड हर महीने की करता है। जाहिर से बात है रिटायरमेंट प्लान है तो लॉन्ग टर्म प्लान है, और उसके लिए उसको 36 साल इन्वेस्ट करना है, मतलब हर महीने 500 रुपये करेगा, ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट वो 500 रुपये महीना करेगा 12 महीने तक, 36 साल तक, तो टोटल वो 500 रुपये के हिसाब से 210,000 इन्वेस्ट कर देगा, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बता रहा है, मान रहा है वो 15 से 20% मुझे मिलेगा, मिनिमम 15, मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है, ठीक है, आप जानते ही हैं। अब ये 15 से 20% कैसे मिलेगा, इसके लिए Part 2 वीडियो बताया था, आप प्लीज़ उसको ज़रूर देखना, उसके अकॉर्डिंग भी अगर आपने वो नहीं देखी तो आप 15 से 20, ये मैंने बहुत कम माना है, वो अगर आप देख लेंगे तो ये आप क्वेश्चन नहीं आएगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो मैच्योरिटी वैल्यू जब वो 60 साल का होगा तो उसके अकाउंट में उसका फंड का वैल्यू हो जाएगा 74 लाख से लेके 3.25 करोड़ तक, ठीक है। अब यहाँ पर उसको 74 लाख भी मिल सकते हैं, 3.25 करोड़ भी मिल सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह का फंड लेता है। मैंने बताया आपको कि एग्जांपल बताया तो उसमें तो 25-30 मिल रहा है, पर यहाँ हम मिनिमम 15 से 20 ही मान रहे हैं, तो उसने 500 रुपये भी तो करे बेचारे ने, ठीक है, मिनिमम 500 कर रहा है, 600 करे, 700 करे, 1000 करे, जितने भी करे, वो आपके ऊपर है, कम से कम उसकी सैलरी के अकॉर्डिंग, उसके फाइनेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग उसने 500 रुपये करे, ठीक है। 500 से 3000 कर सकता था, पर उसने 500 तो करेगी यार, 500 तो मैं कर ही लूँगा, तो 500 से करे तो उसने 74 लाख से लेकर 3.15 लाख वो बचा, मतलब उसको मिलेंगे जब सॉरी 3.15 करोड़ मिलेंगे उसको जब रिटायरमेंट होगा, तो ये उसका हो गया। तो चलो ठीक है यार भैया, 60 साल के पहले की लाइफ बात की लाइफ तो निपटा ली। अब सेकेंड गोल, एक बच्चे का एजुकेशन, दो बच्चे हैं, ठीक है, अब दो बच्चे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि एकदम से वो जुड़वा हो जाए, वो आपकी किस्मत, बट मोस्ट प्रोबेबली मान लो कि एक बच्चा हुआ शादी के 3 या 4 साल बाद, तो कहने का मतलब है कि अगर वो आज इन्वेस्ट करता है तो 18 साल के बाद उसको ज़रूरत पड़ेगी एजुकेशन, क्योंकि वो 2 साल तक बड़ा होगा, फिर उसके बाद वो नर्सरी, LKG, UKG, फिर 12th class तक पढ़ेगा, तो 15-16 साल ये होगा, फिर 1-2 साल बाद वो जो शादी कॉलेज जाएगा, तो 17 से 18 साल बाद वो उसका कॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी, तो कॉलेज जाएगा, एजुकेशन करेगा, कुछ भी करेगा, तो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ वो लमसम अमाउंट गिन रहा है 15,000 रुपये, लमसम मतलब जिस तरह से एक मुश्त जमा कर रहा है 15,000 रुपये, ठीक है, और आगे एड ऑन अमाउंट करता है वो 5,000 रुपये, तो टोटल इन्वेस्ट कर रहा है वो 20,000 रुपये। अब आप सोच रहे हो कि यार वो 3,000 रुपये, 5,000 से 20,000 रुपये कितने भी कमाता, किसी महीने कमाए भी नहीं, तो उसने क्या करा पता है, उसने ये करा कि उसको पता है कि मैं 500 रुपये मिनिमम तो महीने के काटे गए, SIP चल रही है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि 500 रुपये महीना अगर आप नहीं भर पाए तो पेनल्टी लग जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, नहीं भर पाए तो 1 महीना 2 महीने बाद वो थोड़ी बंद हो जाती है, तो जितना अमाउंट होगा उस पर ब्याज मिलेगा, खैर 500 रुपये तो हर कोई कर देता है, बट वो 20,000 रुपये कहाँ से लगे, देखिए 15,000 रुपये वो इन्वेस्ट कर रहा है कैसे, किसी महीने 5,000 कमाता, किसी महीने 8,000 कमाता, किसी महीने 10,000 कमाता, किसी महीने नहीं कमाता, तो वो किसी महीने 8,000 कमाया तो 2,000 बचा लिए, किसी महीने 1,000 बचा लिए, किसी महीने नहीं बचाए, किसी महीने 5,000 बचा लिए, तो ऐसे ऐसे करके साल भर में उसने 15,000 रुपये बचा लिए, ठीक है, उसके जितने भी महीने की मिल से ओवरऑल अमाउंट साल भर में जितना मिला, तो जैसे ही वो कैसे बचाए, उसने वो अमाउंट सेविंग अकाउंट में डाला और उसको निकाले नहीं, जैसे ही सेविंग अकाउंट में 15,000 रुपये इकट्ठे हुए, उस 15,000 रुपये का उसने एक और फंड ले लिया, अच्छा वाला, ठीक है, अच्छा वाला फंड ले लिया, वो लेके रख लिया, ठीक है, अच्छा फंड ले लिया 18 साल के लिए, ठीक है, 18 साल, खैर वो तो ओपन एंडेड है, क्लोज एंडेड तो है नहीं, मतलब उसका गोल है 18 साल के लिए, जब ज़रूरत पड़ेगी तो निकालेंगे, ऐसा नहीं है कि 18 साल के लिए लिया, 20 साल के लिए, मतलब 18 साल का उसने ओपन एंडेड लिया। अब 5,000 कहाँ से आएंगे, एड ऑन अमाउंट, क्या होता है इस चीज़ में म्यूचुअल फंड या दूसरे भी कोई से फंड में, जब आप किसी चीज़ का फंड खरीदते हो, जैसे 15,000 का खरीदा, ठीक है, अब आपके पास उसमें चाहे तो और इन्वेस्ट, उस फंड में और इन्वेस्ट कर सकते हो 1,000 के मल्टीपल पे, ठीक है, तो इस साल उसने 15,000 रुपये इकट्ठे करे,
और उसने ऐसे फंड में डाल दिया, ठीक है, अब फंड खरीद लिया, अब उसके बाद अगले साल में उसने थोड़ा सा और पैसा 2-4 महीने और सेविंग करके 5,000 रुपये कर लिए, 5,000 रुपये की उसी फंड में खरीद लिया, तो उसकी एवरेजिंग बढ़ गई, तो टोटल फंड वैल्यू हो गई 15,000। तो एड ऑन फंड होता है पाँच उसी फंड में और पैसा डालना, फिर वो एसआईपी में लमसम डाले या किसी में भी डाले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एड ऑन मतलब उसी फंड में आपके पास जब एक्स्ट्रा पैसा आ गया और सेविंग का तो वो और डाल दिया, ठीक है, तो आपकी फंड वैल्यू बढ़ गई। यहाँ पर उसका अच्छा म्यूचुअल फंड है, लॉन्ग टर्म प्लान है, जाहिर सी बात है 18 साल, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया उसका 20,000 रुपये, ठीक है, 20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट हो गया और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कर रहा है वो 18-22%, ठीक है यार भैया मैं तो बड़ा ही मानता हूँ, 15-20 ही मानता हूँ क्योंकि मुझे लगता है इंडियन का मार्केट अच्छा है और अभी के हिस्ट्री के हिसाब से ही है, दूसरे 10% 12% मानते हैं, मैं गलत मानता हूँ, ठीक है, अभी तक हिस्ट्री से मिला है और बिल्कुल ये मिल ही रहा है, इससे ज़्यादा ही मिला है, आपने देखा ये पार्ट टू में, तो उसकी मैच्योरिटी वैल्यू होगी 5 लाख से लेकर 10 लाख तक, ठीक है। अब वो जाहिर सी बात है कॉलेज जाएगा तो 5 लाख रुपये कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रुपये, अब हो सकता है 10 से ज़्यादा भी मिल सकते हैं, 15-20-25 कितने भी मिल सकते हैं, और कम भी हो सकते हैं 5 से 2-3 ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो भैया मेरे अगर वो 20,000 रुपये बैंक में एफडी भी करता है तो 18 साल में कितने होंगे 20,000 के 50,000 रुपये, और यहाँ तो 20,000 के 5 लाख हो रहे, कुछ फाइनेंशियल मदद तो मिलेगी, 5 लाख बहुत बड़ी रकम। अब ये क्वेश्चन भी आता है आपका कि अभी के 1 लाख 18 साल बाद के 1 लाख के बराबर नहीं होगा, वो तो 2-5 लाख के बराबर होगा, ऐसा नहीं है। देखिए आप अगर परचेसिंग पावर या इन्फ्लेशन को साइड में रखें, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, बहुत बड़ा टॉपिक है वो इफेक्ट करता है, बट अगर परचेसिंग पावर या इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, वैसे तो कम ही होता है, तो मार्केट भी तो बढ़ेगा, रिटर्न भी तो बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, तो वहाँ फ़ायदा मिलेगा, ठीक है, ज़रूरी नहीं है 5 या 10 लाख। और एक और क्वेश्चन आपको आ रहा होगा बीच में कि यार 5 या 10 लाख में क्या होगा, मुझे और पैसे की ज़रूरत है तो वो कैसे मिलेगा, वो मैं इस एग्जांपल के बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब दूसरा गोल टू का सेकंड चाइल्ड का एजुकेशन, सेम उसने साल भर फिर अगले साल उसने फिर 15,000 रुपये बचाए, एड ऑन अमाउंट फिर 2-4 महीने में 5,000 बचाए, उसने फिर वो 20 साल के लिए करा, क्योंकि पहला बच्चे का एजुकेशन अगर हुआ है तो दूसरा बच्चा 2-3 साल के गैप में ही होगा, ठीक है, कम से कम 3 साल के गैप में तो होना चाहिए, तो 18 और 3 चलो मैंने 2 मान लिया, 20 ईयर मान लिया, तो लॉन्ग टर्म भी कहलाएगा। उसने उसके लिए फिर म्यूचुअल फंड खरीदा अगले साल, मतलब एक साल उसने कर दिया 20,000, अब उसके पास पैसे नहीं, 500 वाले तो चली रही थी, फिर उसका थोड़ा 2-4-6-8 महीने बाद रुक के उसने फिर 10 महीने तक फिर 15,000 इकट्ठा करे, फिर एक अलग से दूसरा फंड खरीदा और उसमें फिर 5,000 2-4 महीने बचा के फिर उसने इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है, तो यहाँ उसका फिर 18-22% मिला, तो यहाँ उसको 7 लाख से 15 लाख मिले, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 साल बढ़ गए, तो साल बढ़ गया तो आपको रिटर्न भी बढ़ गया, ठीक है। तो दूसरे बच्चे का एजुकेशन 7 लाख से लेकर 15 लाख में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उसके बाद अब आता है उसका फर्स्ट चाइल्ड का मैरिज, ठीक है, 18 साल बाद उसने इंजीनियरिंग करी, ठीक, इंजीनियरिंग में वो 18 साल की उम्र 18 साल की उम्र में उसने इन कॉलेज में गया, एजुकेशन का है, आपको उसके फीस की व्यवस्था होगी। अब जाहिर सी बात है, जाहिर से वो इंजीनियरिंग करेगा या डॉक्टर अगर कुछ भी करेगा तो मिनिमम एजुकेशन 4 साल का ग्रेजुएशन होता है, 4 साल जोड़ लेते तो 18 और 4 मतलब 22 साल बाद आपको फिर एक अमाउंट की ज़रूरत है, मतलब उसकी शादी की, ठीक है। तो यहाँ पर हम चाइल्ड एजुकेशन चाइल्ड मैरिज देखे फर्स्ट, तो वो 15,000 रुपये फिर उसी समय मतलब 22 साल पहले करता है 15,000 रुपये, और उसी तरह साल भर तक फिर 8-10 महीने उसने करे और 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए 22 साल के लिए, एक और दूसरा और म्यूचुअल फंड ले लिया उसने, फंड ले लिया, तो 20,000 रुपये में इन्वेस्ट कर रहा है और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न वही मैंने माना 18-22%, तो उसको मिलेंगे मैच्योरिटी 10 लाख से लेकर 24 लाख तक, इसके बीच में किस्तें भी मिल सकते, इसके ज़्यादा भी मिल सकते, इससे कम भी मिल सकते, ठीक है। तो ये था फर्स्ट चाइल्ड का मैरिज। अब दूसरे चाइल्ड का भी मैरिज, जाहिर सी बात है 2 बच्चे उसके हुए, तो उसने फिर यही करा, लमसम अमाउंट 15,000 प्लस 5,000 एड ऑन अमाउंट ये इकट्ठे करे 4-6-8 महीने में, फिर 8-10 महीने में जितने हो सके, और 24 साल के लिए करा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि साथ में कर दे तो अगर वो निपटा सकता है 24-25 लाख में दोनों की तो बहुत ही अच्छी बात है, पर ये जब उसके पास अमाउंट है तो शादी क्या है कि इंडिया में बहुत बड़ा त्यौहार जैसा होता है, ठीक है, बहुत बड़ा एक उत्सव होता है, और 2 शादी होती तो जीवन में 2 खुशियाँ होती है, अगर आपके पास अमाउंट है तो हमेशा 2 शादी ही करते हैं लोग, और नहीं होते तो 1 में ही कर देते हैं, खैर वो आपका पर्सनल मैटर है, वो आपको क्या करना है, लेकिन आप पहले से ही अलग अलग शादी की मैरिज की करके रखे, आगे आपको करना नहीं करना वो आपके ऊपर है। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न उसने माना 18-22, तो उसको 14.5 लाख से 37 लाख तक मिलेंगे, ठीक है, दूसरे शादी में। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरे 14 लाख या 37 लाख ही करेगा, आपके पास पैसा है, कितना बचाते हैं वो आपके ऊपर, कितना खर्च करता है आपके ऊपर, क्योंकि आपके पास है
चौथा गोल उसका फॉरेन टूर है जो कि आखिरा उसका ऑप्शनल है। उसने सोचा यार अब बच्चे की एजुकेशन भी करवा दी, उनको हमने पढ़वा भी दिया और उनको हमने हमने उनकी हमने शादी भी कर दी, सब कर दिया अपने लिए, यार एक बार तो घूमना बनता है। उनका हस्बैंड और वाइफ, ठीक है, वो चलता है कि मैं और मेरी पत्नी के साथ या मैं और मेरे हस्बैंड के साथ, क्योंकि रमेश और राजा रानी कुछ भी हो सकते हैं, तो वो चाहते हैं कि एक बार हम फॉरेन टूर जाए, ठीक है, जिनका पासपोर्ट उन्होंने बहुत पहले बनवा के रखा था खैर वो कोई बड़ी बात नहीं। तो उन्होंने उस समय भी करा था, तो उन्होंने वही करा, उन्होंने क्या करा, 15,000 रुपये यहाँ उस समय 25 साल पहले इन्वेस्ट कर रहे थे। 25 साल पहले बोले तो 25 साल, जाहिर से बात है कि आप शादी, बच्चों की शादी होगी 24 साल बाद, तो उसके बाद आपके पास सब निपट गया, तो क्या करा आपने, एक साल बाद ही आप घूमने चल गए। तो मतलब 25 साल के लिए उसने 15,000 का फिर एक अच्छा फंड इन्वेस्ट करा, रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड 18-22% रखा, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू उस समय उसको 25 साल बाद मिलेगी 13 लाख से लेके 35 लाख के बीच में, ठीक है। और अब जानते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे टूरिस्ट प्लान आ चुके हैं, बहुत अच्छे अच्छे घूमने के प्लान आ गए मेक माई ट्रिप के और एक ऑक्सन किंग के, 8 लाख 10 लाख में हो जाते हैं, तो 35 लाख तो बहुत बड़ी बात है। कहने का मतलब ये है कि उसने 500 रुपये बचा के ये सब कर लिया, 15-20 हज़ार रुपये बचा के, 20-20 हज़ार रुपये बचा के सब कर लिया। अब इतना पैसा उसके पास आया क्या? देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, उसने क्या करा, सेविंग अकाउंट में 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 करते करते 15,000-20,000 करे उसकी एक फंड कर लिया, फिर साल भर बाद उसने फिर 1,000, 2,000, 15,000 ऐसा करके फिर उसने कर लिया। तो उसकी जितने भी मेजर एसेट रिक्वायरमेंट, सॉरी मेजर पैसे की रिक्वायरमेंट प्रॉब्लम थी, उसने साल 2-3 साल के अंदर सभी की व्यवस्था पहले करके रख दी, ठीक है। अब वो उसकी, उसने पहले से उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग हो चुकी है। अब बात आती है कि उस समय अगर पैसा ज़्यादा लगा तो ये तो मिनिमम है, तो मेरे हिसाब से 75-80% तो इस पैसे से मदद मिलेगी अगर उसको इतने मिल जाएंगे, लेकिन उसको अगर और पैसे की ज़रूरत पड़ी तो। देखिए ये सब उसने करा 2-3 साल के अंदर, ये सब निपटा दिया उसने, 20-20 हज़ार के 3-4 ऐसा फंड ले लिए, 500 रुपये की ऐसा भी चल रही है, वो सब चल रहा है। लेकिन क्या वो 25 साल के पहले उस तक उसके पहले करा था, 25 साल के बीच में उसको जो सैलरी मिली उसने क्या वो सब खर्च करे, उसने फिर बचाया, उसने फिर क्या करा है कि वो 25 साल के अंदर अंदर जितने भी पैसे मिले उसने फिर उसके फंड लेते गया या इसी में एड ऑन करते गया, एजुकेशन के लिए करते गया, उसके लिए करते गया, खुद की फिर एक कार के लिए करते लिया कर कर किसी भी उसके रीज़न हो गया, ठीक है। और ये सब पैसा ऐसा नहीं है कि आपने शादी के लिए रखा है तो केवल शादी में ही काम आएगा, नहीं, पेशा आपको 20 साल बाद मिल रहा है, 15 साल बाद मिल रहा है, 10 साल बाद मिल रहा है, 2 साल बाद मिल रहा है, ये आपकी प्लानिंग है, ठीक है। अब आप बात आती है कि मैं इससे ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकता हूँ तो क्यों करूँ मैं, मतलब इतना ही करूँ ना, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं। आप इसका रेशियो बढ़ा दीजिए, आप 1,000 रुपये पर मंथ कर सकते हैं 60 साल के लिए, तो आप 1,000 रुपये करिए, आप 15,000-20,000 सेव कर से ज़्यादा अगर 50,000 कर सकते हैं तो आप 50,000 करिए, अगर आप 1,00,000 कर सकते हो तो 1,00,000 करिए। ध्यान रखिए कि आपका अगर SIP कर रहे हो या फिर फंड ले रहे हो तो उसको एक फंड में ना लगाए। फॉर एग्जांपल 500 रुपये की मिनिमम SIP होती है, कुछ फंड शायद 1,000 की भी होती है, पर मैक्सिमम जो अच्छी अच्छी है वो सब 500 में दे देते हैं। आप चाहते हैं कि मैं 1,000 की कहूँ, ठीक है, तो मेरी एक सजेशन है आप 1,000 की एक ना करें, 500-500 की दो कर लें, ठीक है, उससे क्या होगा पैसा थोड़ा डाइवर्सिफाइड हो जाएगा और फ्यूचर में कभी गलती से आप चाहते हैं कि मुझे पैसे की ज़रूरत है तो दोनों 1,000 रुपये पूरे ना टूटे, एक 500 की तोड़ ली आपने और एक तो चली रही है क्योंकि बहुत पुरानी चल रही हो, तो ये फ़ायदा होता है। 20,000 तक आप एक ले सकते हैं, लेकिन जब 50,000 की बात है तो 25-25,000 के दो लमसम ले लीजिए, उससे ज़्यादा करना चाहिए। 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं आप तो 25-25 के चार ले लीजिए, 50-50 के दो ले लीजिए, या फिर आपके ऊपर 1,00,000 का एक भी ले सकते, मेरा सजेशन है उसको 2-3 भाग में बांट दीजिए। तो बस इसी तरह से होता, आप ये जो मैंने बताया ना पैसा, ये ज़रूरी नहीं है कि इतना कम ही मिले, इससे कम भी मिल सकता है, इससे ज़्यादा भी मिल सकता है। अभी तक इतिहास रहा है कि निफ्टी 100 से लेके 10,000 पे आया है, ये तो आप भी जानते हैं, आगे आप भी जानते। देखिए अब बात आती है कि बीच बीच में आप इसको निकाल सकते हैं, वो आपका मैटर है, आप निकाले। खैर अगर आपने गोल बना के रखा, माइंड सेट कर रखा है तो इसको पैसे लगाने के बाद भूल जाइए, ठीक है। अब ये ना सोचिए आपकी, ये आपको जब आपके बच्चे होंगे, जब शादी होगी उनके, तो जब ये आपको देखेंगे ना तो आप मतलब आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और मैं चाहता हूँ हेल्थ के साथ पैसे की कभी प्रॉब्लम ना आए, तो अभी से उस समय पैसे का पेड़ जो आपको
पैसा दे वो अभी बोएंगे ना, तो तब जाके वो इतना बड़ा बढ़िया फल देगा आपको कि आपको फिर किसी से हाथ फैलाने की या कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सोच रहे होंगे क्या बोल रहा है, पर यही एसेट मैनेजमेंट होता है फ्यूचर प्लानिंग का। तो अगर आपको इससे रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन है या कुछ भी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मुझे वहाँ मैसेज करें @live.abhishek, फेसबुक पे @live.chauhan, या फिर नीचे भी कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे तो मैं हमेशा रहता हूँ, इस पे भी रहता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें। अब बात आती है कि हम कौन सा फंड लें। देखिए मैंने आपको बता दिया, पार्ट टू आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप खुद फंड कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। आप 3 साल का एवरेज देखें, 20-25% के आसपास होना चाहिए, 20 मिनिमम, 18-20 जो भी, ये मैंने आपको बता दिया 18-20। उसके बाद एसेट साइज देखें, ठीक है, ये दो देखना ज़रूरी है, ठीक है। और उसके बाद वो कौन सी कैटेगरी का है, लार्ज कैप कम रिटर्न देता है, मिड कैप मॉडरेट रिटर्न देता है, मतलब कम से ज़्यादा, स्मॉल और मिड कैप, स्मॉल और माइक्रो कैप, मतलब स्मॉल एंड मिड कैप वो ज़्यादा रिटर्न देते क्योंकि इसमें रिस्क ज़्यादा रहती। तो जितना आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, मेरी आपसे सजेशन है कि जब आप 60 साल के लिए कर रहे हैं, 50 साल के लिए कर रहे हैं, 10 साल के लिए कर रहे हैं, तो स्मॉल एंड मिड कैप में करें, ठीक है। और आप चाहते हैं मैं एक साल के लिए करूँ या 2 साल के लिए करूँ, या तो बैलेंस में करें या डाइवर्सिफाइड में करें, क्योंकि 1-2 साल में पैसा नहीं दिखता, पैसा दिखता है करीबन 3-4 साल ज़्यादा उसके लिए, ठीक है। तो आपका जब 5-6 साल से ज़्यादा का व्यू है, रखने का भी हो, तो स्मॉल एंड मिड कैप में करें, और 5-3 साल से कम का हो तो आप लार्ज कैप फंड या डाइवर्सिफाइड फंड या बैलेंस फंड में करें। और आपका 1 साल का हो, 1 साल से 300, 1 से 2 साल, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सजेशन है कि आप बैलेंस फंड या डाइवर्सिफाइड में करें, क्योंकि 1 साल में स्मॉल एंड मिड कैप शायद खैर देता तो है, अभी तक तो दिया है, बट स्मॉल एंड मिड कैप में रिस्क जितनी ज़्यादा है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा है, तो रिस्क ज़्यादा है मतलब कम भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है तो प्लीज़ आप, मार्केट अभी 10,000 का है तो 2 साल बाद में फिर 5,000 में भी आ जाएगा, लेकिन हम लॉन्ग टर्म देख रहे हैं 10 साल का, ठीक है, 20 साल का देख रहे हैं, तो 2 साल में फिर 5,000 आ गया तो 10, ये ना सोचे कि अब मैं तोड़ दूँ, नहीं, पड़े रहने दे उसको। जब आपका गोल है तब आपको इतना पैसा देगा, इतना मिलेगा कि आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस समय शायद आपको मेरी याद आए ना आए, तो खैर वो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि आपकी हेल्प हो, एसेट वेल्थ और हेल्थ क्रिएशन में करने में मदद हो। अब लेना कहाँ से, देखिए जितने भी बैंक है आपके शहर में, बैंक अगर है, ICICI बैंक, IDBI बैंक, यस बैंक या SBI, वहाँ जाके आप पूछ सकते हैं, मिल जाएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं। आप सोच रहे हो उस बैंक में मेरा अकाउंट नहीं है, तो क्या अकाउंट आपका ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप ICICI बैंक से ले रहे हैं तो आप ICICI बैंक होना ज़रूरी है। ICICI म्यूचुअल फंड वाला आपको HDFC म्यूचुअल फंड का भी दे सकता है, DSB का भी दे सकता है, किसी का भी दे सकता है, वो केवल आपसे चेक लेगा, एक फ़ोटो लेगा, साइन वगैरह करवाएगा और हो जाएगा। ध्यान रखें रेगुलर ग्रोथ ही ले, XYZ म्यूचुअल फंड रेगुलर ग्रोथ ले, SIP एक ले और एक लमसम ले, और आपको कभी भी पैसे की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, 1 सेकंड नहीं लगेगा, फिर ज़्यादा लंबा वीडियो बन गया, सॉरी फॉर दैट, 1 सेकंड नहीं लगेगा। और जिनको ज़रूरत है उनको शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट हेल्दी और वेल्दी वीडियो के साथ मैं जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।